नमस्कार, पाठक्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो हमारी आँखों एवं दिमाग दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको खाने से आँखों में ठंडक मिलती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है एवं याददाश्त यानी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। बच्चों से लेकर बड़ों सभी के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम लिया है सौंफ, छोटी या बड़ी कोई सी भी ली जा सकती है, और यहाँ पर लिए मिश्री, ये धागे वाली मिश्री यूज किया है, ये केमिकल इसमें नहीं रहता है इसलिए। तो अब बादाम को हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो हमें स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। ये बादाम हमारे दिमाग को हेल्दी बनाता है, इसमें विटामिन ई होता है, साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इनमें थोड़ा ड्राई रोस्ट करने में टाइम लगता है, धीरे धीरे ही हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हाँ, तो ये बादाम हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं और इसमें क्रैक्स भी आने लगे हैं, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब करेंगे सौंफ को ड्राई रोस्ट, ये जल्दी हो जाती है और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक एवं खुशबू आने तक हम इसको भून लेंगे। तो सौंफ का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि ये हमारी मेमोरी पावर बढ़ाती है, इसकी तासीर ठंडी होती है और सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। तो सौंफ में विटामिन ए, सी और ई होता है। तो सौंफ को भी हम स्लो फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए, ये सौंफ हमारी भुन गई है, कलर भी चेंज हो गया है। तो मैंने यहाँ पे धागे वाली मिश्री ली है, ये इसलिए ली है क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और जो धागा होगा उसको हटा देंगे। ये वाली मिश्री मुख्य रूप से गन्ने और खजूर के रस से तैयार की जाती है। तो हम पहले सौंफ को बारीक कर लेंगे जार में डाल के, तो इस तरीके से बारीक हो गई है। अब हमने मिश्री डाली है और ये हमारे ठंडे हो गए थे बादाम, इसको डाल के हम एक पाउडर बना लेंगे। इस तरीके से ये हमें पाउडर बन जाता है। इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना के रख लेंगे, ये काफ़ी दिन के लिए हो जाता है। बस एक चम्मच सुबह या शाम दूध के साथ लेना है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यदि किसी को शुगर का कुछ प्रॉब्लम है तो हम इसी थोड़ा कम कर सकते हैं। ये होम रेमेडी आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।